मॉडल प्रस्तुत है यह शासकीय EPS माध्यमिक शाला चिचवन से बच्चों द्वारा बनाया गया है। इसमें विद्युत परिपथ के बारे में बताया गया है। आज जीवन में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत उपयोग हो रहा है, बिना इलेक्ट्रिसिटी के हमारा जीवन अधूरा है। इसीलिए जब कोई भी हम विज्ञान के आधार पर या कह लीजिए हम किसी भी चीज़ की प्रयास करते हैं तो उसमें हमारा इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग सबसे पहले आता है। सबसे पहले इसमें जो है एक बैटरी लगाई गई है, 9 वाट की बैटरी, जिसमें 2 टर्मिनल होते हैं, एक धन टर्मिनल और एक ऋण टर्मिनल। इससे जो है विद्युत धारा प्रवाहित होती है। चूँकि सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक जो होता है वह कॉपर वायर या तांबे का तार होता है, इसमें इसका उपयोग किया गया है। जब यह ऊर्जा जो कि हमारी बैटरी से निकल करके कॉपर के वायर से आकर के हमारे बिजली के जो बल्ब है या LED बल्ब है इस पर आती है, तो LED बल्ब जो है बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं या बल्ब जल्दी ख़राब हो जाते हैं। इनको एकदम तेज़ी से ऊर्जा का आना और उसमें जो है ऊर्जा का उपयोग होना, इसमें बचाने के लिए हमको एक जो है कंडेंसर, जिसको हम कहते हैं संघारित्र, इसका हम प्रयोग करते हैं। ये जो कंडेंसर है इसका प्रयोग किया जाता है। अगर इसका प्रयोग ना किया जाए तो हमारा ये विद्युत परिपथ जो है यह अभी कुछ देर तक चलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बिजली को यह जो है इकट्ठा करके भी रखता है और जितनी ज़रूरत है उतनी ही सामने बल्ब तक पहुंचाता है। यह हमारे पास एक स्विच है, इसके आधार पर हम जो है इसको बंद चालू कर सकते हैं और इस आधार पर इसका जो है यह परिपथ जो है पूरा होता है। यदि मान लीजिए हम इसका जो है परिपथ को हम पूरा नहीं करेंगे तो यह हमारा जो है हमको प्रकाश या ये बल्ब जो है ये दीप्त नहीं हो पाएगा। यह संयोगी तार, जब दो हमारे पास जो धन और ऋण आयन रहते हैं, धन और ऋण जो इलेक्ट्रॉन और हमारे पास रहते हैं, इनको पहुंचाने के लिए और इनमें विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए हमारे पास संयोजित तार रखा जाता है। बैटरी जो है सेल जो होता है वह किसी भी विद्युत को उत्पन्न करता है और बैटरी जो है ये 2 या 2 से अधिक सेलों का संयोजन होता है, इसलिए इसको बैटरी कहा जाता है। सेल में केवल एक ही जो है आपका एक ही सेल होगा, जबकि बैटरी में 2-3 सेलों का संयोजन होता है। इसके बाद जो है यह जो है हमारे पास सर्किट है और इसको अगर हम अलग कर देंगे तो यह हमारी जो विद्युत धारा यह बंद हो जाएगी। तो जब विद्युत धारा बंद हो जाएगी तो वह हो जाएगा हमारा अधूरा पथ कहलाएगा, अधूरा परिपथ कहलाएगा। और जब यह इसके विद्युत धारा प्रवाहित होती रहेगी तो यह हमारा जो है परिपथ हमारा यहाँ पूरा होता है। अब कौन सी वस्तु सुचालक है और कौन सी कुचालक है, इस वस्तु को हम जानते हैं। हमने सबसे पहले यहाँ पर जो है एक रबर रख दिया है और रबर में हम जो है हमारे संयोजी तार को हम जब स्पर्श कराते हैं तो इससे विद्युत जो है प्रवाहित नहीं होती है, अर्थात यहाँ पर बल्ब नहीं जलता। पर जब हम एक मेटल लेते हैं अर्थात धातु लेते हैं और धातु को हम इस कॉपर वायर पे रखते हैं तो हमारा ये जो है ये विद्युत परिपथ पूरा होता है और हमारा जो है ये बल्ब चालू हो जाता है। इसी तरीके से हमने यहाँ पर एक सेल भी है, अगर इस सेल को हमने रखा तो ये पता लग जाता है कि ये सेल चालू है या नहीं। और इसमें जो है हमने एक तरफ जो है कॉपर का वायर रखा और दूसरे तरफ जब हम इसमें स्पर्श कराते हैं तो हमें ये पता लगता है कि यह सेल चालू है और इसमें से विद्युत ऊर्जा बह रही है, अर्थात यह जो है यह हमारा जो है उपयोगी सेल है, है ना। तो यह पूरा मॉडल जो है ये प्राथमिक EPS जो है माध्यमिक शाला चिचवन के बच्चों द्वारा प्रिंस साहू और देवान सेड़े द्वारा बनाया गया है। आज मुझे अवसर मिला है बताने का, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।